100 का जो मेंस वाला दूसरा मैच होगा जो खेला जाएगा बर्मिंगम फोनिक्स और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में, तो उस मुकाबले की बात अपन यहाँ पर करेंगे। बस आपको वीडियो जो है वो लास्ट तक वॉच करना है। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो जो आपको सबसे पहला कमेंट मिलेगा उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मुकाबला जो है 10:30 बजे स्टार्ट होगा रात में। बारिश के चांस भी रहेंगे मैच में। एजबेस्टन बर्मिंगम में मुकाबला खेला जाएगा। विकेट जो है बैटर्स और बॉलर दोनों को यहाँ पर हेल्प करता है, और क्योंकि यहाँ पर अभी बारिश चल रही है तो अगर मैच होगा तो यहाँ पर स्विम मूवमेंट रहेगा, इस वजह से फास्ट बॉलर्स को मदद मिलने के चांस हैं। एवरेज स्कोर 120 से 140 के बीच में बन सकता है। बर्मिंगम फोनिक्स की टीम का एक मैच हुआ था वो नो रिजल्ट रहा था, पूरा मैच हो नहीं पाया था, इनकी इनिंग बैटिंग चल रही थी तभी बारिश वहाँ पर आ गई थी। इनकी तरफ से ओपन किया था विल स्मिथ और जैकॉब बैथेल ने। विल स्मिथ देखो 21 रन जरूर किए लेकिन स्ट्रगल करते नज़र आए थे, और उतने अच्छे टेक्निकली साउंड बैटर ये है नहीं तो ड्रॉप कर सकते हो। जैकॉब बैथेल 0 रन पर आउट हो गए थे, लास्ट सीजन भी 2 मैच में 10 रन थे। बेन डकेट इन्होंने 34 नॉट आउट की अच्छी पारी ये खेल रहे थे, लास्ट सीजन भी 8 मैच में इनके नाम 220 हैं और ये अच्छे प्लेयर हैं भाई। जेमी स्मिथ 13 रन किए थे, स्ट्रगल करते नज़र आए थे, 9-0 19 से इनका रीसेंट फॉर्म है, कुछ खास है नहीं। डेनी माउसली ये बैटिंग के साथ साथ आपको बॉलिंग भी देंगे, 9 रन इन्होंने पहले मैच में किए थे, लास्ट सीजन 2 मैच में 4 रन थे, रीसेंट फॉर्म 51-4 विकेट 1-0 विकेट 5-2 विकेट 16-1 विकेट है। शादाब खान पहले मैच में 0 पर आउट हुए लेकिन इससे कहीं गुना अच्छे प्लेयर है भाई, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकता है। 256 टी20 में 2500 से ज़्यादा रन, 288 विकेट है टी20 में, रिसेंट फॉर्म 37-0 विकेट 9-2 विकेट 0-0 विकेट 20-2 विकेट है। फिर आएंगे ऐसे क्रिस बेंजामिन, 1 नॉट आउट इन्होंने किया था लेकिन बैटिंग बहुत नीचे की थी। बेनी होवेल बैटिंग नहीं आई थी लेकिन ये ऐसा बंदा है जो लोअर ऑर्डर में बैटिंग करेगा साथ के साथ आपको बॉलिंग भी देगा। लास्ट सीजन 8 मैच में 63 रन 9 विकेट थे, रिसेंट फॉर्म 34-1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 22-0 विकेट है। एडम मिल इनको भी बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली थी 2021 वाले सीजन में, 8 मैच में 12 विकेट इन्होंने निकाले थे। इनके बाद में टॉम हेलम बैटम बॉलिंग नहीं मिली थी, डेथ में बॉलिंग करवाते हैं, 8 मैच में 14 विकेट है। और केन रिचर्डसन को भी बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली थी, 7 मैच में 13 विकेट इनके नाम है। डेथ के ये दोनों जो है ना डेथ के स्पेशलिस्ट हैं ये मान के चलो आप। अभी के लिए मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ टीम में बेन डकेट, यहाँ से शादाब खान, बेनी होवेल और इनके अलावा मैं केन रिचर्डसन को टीम में रख रहा हूँ। बाकी बेंच पर बहुत सारे प्लेयर हैं, इनमें से कोई भी खेले स्टार्ट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर डालने चाहिए एडम मिल, टॉम हेलम, केन रिचर्डसन, डेथ में आने चाहिए एडम मिल, टॉम हेलम और केन रिचर्डसन। सामने जो टीम है ट्रेंट रॉकेट्स की टीम, पहला मैच खेली थी और जीती थी, हालांकि लो स्कोरिंग मैच था लेकिन जीत गए थे। ओपन किया था एलेक्स हेल्स और डेविड मल्लान ने, एलेक्स हेल्स ने 9 रन किए थे, लास्ट सीजन 9 मैच में 259 रन थे, रिसेंट फॉर्म 0-1 9 बैटिंग 16-39 है। डेविड मल्लान आएंगे यहाँ पर, लास्ट सीजन 9 मैच में 370 रन बहुत अच्छा खेले थे, पहले मैच में 11 रन पर आउट हो गए लेकिन प्लेयर अच्छे हैं, 79-3-34-13-8 ये इनका रिसेंट फॉर्म है। फिर आएंगे ऐसे टॉम कोलियर कार्डमोरे, 4 रन किए थे, लास्ट सीजन 9 मैच में 132-14 का एवरेज था। कोलिन मुनरो 10 रन किए थे, देखो कोलिन मुनरो मिडिल ऑर्डर में जब बैटिंग करता है ना तो उतनी खास बैटिंग नहीं कर पाता जितना ये ओपन में कर पाता है, लास्ट सीजन 9 मैच में 206 रन 41 का एवरेज था, रिसेंट फॉर्म बढ़िया है, 10-78-24-43-67 है। सेम एन इन्होंने बहुत तगड़ी 63 रन की पारी खेली थी, इन्होंने बहुत तगड़ी पारी, अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती तो आप इसको बिल्कुल टीम में रख सकते हो क्योंकि रिसेंट फॉर्म भी इसका बहुत बढ़िया है, 97-79-35-12-52। लेविस ग्रिगरी 2 रन किए थे, 3 विकेट निकाले थे, बॉलिंग अच्छी करवाई थी इन्होंने। इमाद वसीम 26-2 विकेट कैप्टन के अच्छे चॉइस रहेंगे क्योंकि ये लोअर ऑर्डर में बैटिंग प्लस अपने 20 बॉल डालता नजर आना चाहिए। डेनियल सेम्स ने यहाँ पर 0 रन किया और 3 विकेट यहाँ पर निकाल के ले गया था 19 बॉल डाल के, लास्ट सीजन 9 मैच में 105 रन 7 विकेट थे। मैथ्यू कार्टर 10 बॉल डाल के विकेट लेस थे, ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। लुक वुड इनको भी 1 विकेट यहाँ पर मिला था, लास्ट सीजन 9 मैच में 10 विकेट थे, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, पावर प्ले में ज़्यादातर बॉलिंग करवाता है और सामने जो बैटर आएंगे ना इसके सामने पावर प्ले में वो उतने खतरनाक है नहीं तो इसको विकेट मिल सकते हैं। सैम कुक विकेट लेस था, ये भी ग्रैंड लीग का बहुत अच्छा पिक है, लास्ट सीजन 6 मैच में 11 विकेट्स थे। यहाँ से देखो मैं अभी रखूँगा एलेक्स हेल्स, डेविड मलान, टीकेसी, इनके अलावा ग्रिगरी, इमाद वसीम, डेनियल सैम्स और ल्यूक वुड, मैं इनके फेवर में ज़्यादा टीम बनाऊँगा।
बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स इनमें से कोई भी खेले स्टेट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के वो डालेंगे ल्यूक वुड, सैमुअल कुक। डेथ में आएंगे डेनियल सेम्स, ल्यूक वुड, सैमुअल कुक। एनालिसिस वाला जो पार्ट था इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आपको डेमो टीम मिलेगा, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है। अगर आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के टाइटल में जाना, मोर पर क्लिक करना, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो जो आपको सबसे पहला कमेंट मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अभी देख लेते हैं डेमो टीम। डेमो टीम में मैंने फिलहाल के लिए विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है टॉम कोलियर कार्डमोरे, बैटिंग सेक्शन से एलेक्स हेल्स, बेन डकेट, डेविड मलान, ऑलराउंडर सेक्शन से शादाब खान, इमाद वसीम, डेनियल सेम्स, बेनी होवेल, लेविस ग्रिगरी और बॉलिंग सेक्शन से कैन रिचर्डसन, ल्यूक वुड। कैप्टन मेरे यहाँ पर इमाद वसीम, वॉइस कैप्टन मेरे यहाँ पर शादाब खान। लेकिन फाइनल टीम मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ दिया हुआ है। धन्यवाद।